पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, कई एजेंसियों द्वारा होड़ लगी हुई है ये बताने में के लिए कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए दिल्ली के लोग जिम्मेदार हैं। दिल्ली के लोगों को दोषी ठहराने की एक होड़ सी लगी हुई है। आज फिर सीपीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जो पराली जलने से पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली के प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है उसकी मात्रा केवल 7% है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सारी एजेंसियां इस बात की चिंता करने की वजह की जगह कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है, बार 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 सारे इस बात की सफाई देने में लगे हुए हैं कि पराली से 1% हो रहा है। कोई कह रहा है, सफर ने पहले कहा कि 1% 2% पराली से प्रदूषण जो हो रहा है, उसके बाद आज केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कह रहा है कि 7% हो रहा है, भूरे लाल जी की जो कमेटी है वो कह रही है 10% हो रहा है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इतनी चिंता पराली से जो प्रदूषण हो रहा है उसको बचाने में, उसके प्रवक्ता बनने में सारी एजेंसियां क्यों इंटरेस्टेड हैं और दिल्ली के लोगों को दोषी ठहराने में इंटरेस्ट क्या है लोगों का? क्योंकि आम आदमी पार्टी का मानना है कि सफर 1% कह दे, सीपीसीबी 7% कह दे, बुरेलाल जी की कमेटी 10% कह दे, टेरी का अभी डाटा आया है कि 30% पोल्यूशन हो रहा है। इन आंकड़ों से दिल्ली के लोगों के जिंदगी के ऊपर जो खतरा है उस पर तो कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो एजेंसियों का इंटरेस्ट दिल्ली के लोगों के जिंदगी को बचाने में है या फिर हरियाणा और यूपी की सरकार या वहां से जो प्रदूषण आ रहा है वहां की नाकामी को छुपाने में? क्योंकि ये तो खुले किताब की तरह से है, सबको पता है कि दिल्ली के अंदर सितंबर तक पिछले 5 साल में दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्सिस्टेंट और जिम्मेदारी के साथ प्रदूषण को कम करने का एफर्ट किया है और उसके परिणाम स्वरूप सितंबर तक अगर 25% प्रदूषण कम हुआ, यूपी में तो नहीं कम हुआ, यूपी के भी कई सारे बगल में गाजियाबाद है वहां तो प्रदूषण नहीं कम हुआ, नोएडा में तो प्रदूषण नहीं कम हुआ, फरीदाबाद में तो प्रदूषण नहीं कम हुआ। तो दिल्ली की जनता ने जो पिछले 5 साल में प्रदूषण कम करने के लिए एफर्ट करा अलग अलग तरीके से, उनको उनके एफर्ट को प्रोत्साहित करने और दूसरा दिल्ली में आज की तारीख में किन वजहों से प्रदूषण बढ़ रहा है इसको गाइड करने की जगह सारी एजेंसियां पराली से केवल इतना हो रहा है जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली वाले गुनाहगार साबित हो रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन यह है कि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से कि आप केंद्र की सरकार की आप एजेंसी हैं, दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता ये चाहती है कि आप दिल्ली के अंदर आज की तारीख में जो प्रदूषण जो है, पराली से कै परसेंट है, डस्ट से कै परसेंट है, मोटर व्हीकल से कै परसेंट है, दिल्ली के अंदर जो अलग अलग जलती हैं उसकी वजह से कै परसेंट है, उसको आप एक एनालिसिस रिपोर्ट अगर आपके पास कोई है तो सरकार भी जानना चाहती है और हम चाहते हैं उसे सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि जो ये ब्लेम गेम का जो खेल चल रहा है इससे दिल्ली की जिंदगी पे कोई फायदा नहीं होने वाला। हम
सरकार काम करने में लगी हुई है। हम ऑड इवन की तैयारी कर रहे हैं। हमें याद है जब पिछली बार हमने ऑड इवन लागू किया था दिल्ली के अंदर, तो हर एजेंसी हर प्रवक्ता एक बात समझाने में लगा हुआ था कि ऑड इवन से प्रदूषण कम नहीं होता। मोटर व्हीकल का तो केवल इतना ही परसेंट हिस्सेदारी है, बाकी और प्रदूषण है। अब आज सवाल यह है कि आखिर सितंबर तक अगर एयर क्वालिटी ठीक थी दिल्ली की, तो अचानक एक तरफ पराली जलती है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब के खेतों में, और दूसरे तरफ दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि पहला तो कि ये जो सारी एजेंसियां यूपी हरियाणा को बचाने में लगी हैं, इसकी जगह दिल्ली की जिंदगी के ऊपर चिंता करें। दिल्ली सरकार सारा पहल करने को तैयार है अगर इस एजेंसियां, दूसरी बात की पूरा रिपोर्ट पब्लिक किया जाए, क्योंकि प्रदूषण अगर उनको ये पता है कि 7% पराली से नहीं हो रहा, तो 93% किसकी वजह से हो रहा है ये भी तो पता होगा उनको। वो रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही, उस रिपोर्ट को भी सामने लाया जाए। और मुझे लगता है कि सब लोग मिल करके दिल्ली के लोगों इस पोल्यूशन से जो समस्या है उसकी समाधान की तरफ बढ़ें, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर दिल्ली की जनता को फायदा होगा। और ये एजेंसियां दिल्ली की जनता को दोषी ठहराना बंद करें।